ओह शिट सॉरी, पहाड़ था, ऐसे लग रहा था किसी ने ना पेंटिंग की हुई। तूने नोट किया? पहुंच गए। तंबोड़ी लड़ी है मुझे बड़ी सख्त किस्म की। इस शहर के शोर में ये दरिया कहीं घूम गया था और अभी ये दरिया वापस आ गया है। थैंक यू दरिया, बिकॉज अभी राइट नाउ जितनी गर्मी है तुम्हें देख के ही जो है वो अच्छा अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, वो पहाड़ अगर आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन पहाड़ों के अंदर एक वाइट पहाड़ और उसके बीच में मांग भी निकली हुई है, पहाड़ के बीच में मांग भी निकली हुई है। नाइस यार, खूबसूरत। क्या कर रहा है यार ये गाड़ी वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने जो मंजर नज़र आ रहा है यार, क्या सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, टू ग्रेट, क्या सीन है। माय फेवरेट पुल, इस तरह के पुल मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन इस तरह के भी नहीं, वो जो लकड़ी के रास्ते बने हुए हैं ना यार, जो शायद आपको व्लॉग में नज़र आए हों। हाय हाय हाय, उस पर बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है भाया। यार ये देखें यार, वसीय और अरीज पहाड़। हाय हाय हाय, मैं असल में गर्मी से मैं भी तंग हो रहा हूँ, ये उसामा भी तंग हो रहा है, वो यही कह रहा मुसलसल, यार मैं सड़ गया हूँ। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यार इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि हम जो मौसम देखते हुए आ रहे हैं वो तो कुछ और था। ओह वाटर क्रॉसिंग, इतनी को नहीं है वाटर इतना नहीं है, लेकिन है। ये सामने अगर आप व्यू देखेंगे ना, आपको आएंगी चस्से, माशाल्लाह। यार आई विश मेरे पास ड्रोन होता, आई विश। हर चीज़ इतनी महंगी है यार, बंदा कहाँ से। ये चश्मा देख रहे हैं आप, ये वाला, ये वहाँ कहाँ से होके आ रहा है यार, ये वहाँ से ऊपर से होके आ रहा है, माशाल्लाह यार। यहाँ पे शायद लैंड स्लाइडिंग हुई है। ओह शिट सॉरी, यहाँ पे शायद लैंड स्लाइडिंग हुई है और ये सड़क जो है वो बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त। ओहो, बुरे हालात इस सड़क के। हाय हाय, हो गया फिर। चलिए, अभी ये सीन है कि हम लोग गर्मी से पागल हो गए थे और हालत सख्त टाइट हुई थी, बहुत सख्त गर्मी थी। अभी हमने एक स्टॉप लिया है और वॉशरूम वगैरह जो है वो हाथ धो के वॉशरूम वगैरह करके उसके बाद हम लगा के अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये खड़े हैं दोनों शेर इस वक्त राइट नाउ, और गर्मी की वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं और मौसम सही हो ही नहीं रहा, तो वो भी देखते हैं। अभी सीन ये है कि GoPro की बैटरी एंड हो रही है और दूसरी बैटरी जो है वो हमने टैंक बैग में रखी थी, लेकिन टैंक बैग जो है ना वो हमने उसामा को तंग कर रहा था, तो फिर हमने मजबूरन उसको बांध दिया है। तो अभी हम जब असल में मौसम इतना गर्म है कि हम किसी भी होटल पे रुक रहे हैं, उधर एसी है नहीं, पंखा लगे हुए, तो पहले ही गर्मी में ख्वार हो रहे हैं, तो फिर होटल के अंदर आपको पता है किचन भी उन्होंने वही बनाया होता है, और गर्मी हो जाएगी। हम अभी ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ थोड़ा मौसम ठंडा हो, तो खाना शाना खाएँ और इसकी बैटरी लगाएँ, तब तक मैं इसकी बैटरी बचा के जो है ना व्लॉग बना रहा हूँ। एक बहुत ही प्यारा एक और पुल, पानी बहुत ही प्यारा, पानी कितना प्यारा पानी आ रहा है वहाँ से। वहाँ जा गिर, इसकी जैकेट गिर गई है सामने, तेरी जैकेट गिर गई है तेरी। अरे कह रहा हूँ रस्सियों के नीचे कर दे इसको,
गिर जा रहा है। यार ये वाकई ना, ये देखो ऐसे लगता है कारपेट बिछाया हो किसी ने, माशाल्लाह। क्या कह रहा है ये लड़का, के पे कहता है क्या हुआ है? हाँ जी, तू हॉर्न दे रहा था। अच्छा, तेरा मैं कौन से गियर पे चला रहा था, मैं डाउन ही नहीं हो रहा। ये है वो पहाड़, कितना खूबसूरत पहाड़ है। ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब ना लिटरली पेंसिल कलर से इसके कलर्स किए हैं, और सब कुछ बहुत ग्रीन है। एक तो होता है थोड़ा ग्रीन, ये थोड़ा नहीं, ये बहुत ग्रीन है। पीपल आर एंजॉयिंग हियर राइट नाउ। लुक, ये पेंटिंग लग रही है लिटरली। अब ये मैं नेकेड आई से देखे ना अगर आप, तो ये लिटरली ऐसा लग रहा है पेंटिंग हुई हुई, किसी ने पेंट किया हुआ। दो मुस्टंडे इस वक्त बाइक पर नीलम वैली जा रहे हैं। पहाड़ तो ऐसे लग रहा था किसी ने ना पेंटिंग की हुई है, तूने नोट किया? अब थोड़ा सा मौसम ना बेहतर हो गया ना। हाँ ये ठीक है माशाल्लाह यार। हम लोग अपनी कमर सीधी करने के लिए बेड नहीं मांगते, बस इस तरह की घास मांगते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं। इस वक्त ना भाई की हिम्मत ख़त्म हो गई है, और हम लोग ऐसे जो है ना अपनी कमर सीधी करते हैं, और ये बस में लोग जा रहे हैं टाटा कर रहे हैं। व्यू इतना हाई दर्जे का प्यारा है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यार कब से ड्राइव कर रहे हैं? पता है, हम मेरे ख्याल से मरी से चले हैं। और वो किस क्या टाइम हो रहा होगा, 10:30? 10:30 से लेकर अभी मेरे ख्याल से कितना टाइम हो रहा है? 2 बज गए। चार घंटे कॉन्टिन्यूस हमने बाइक चलाई है, रिकॉर्ड कायम किया हमने, अपना ही रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गंद जगह जगह ये लोगों ने फेंका हुआ, यहाँ पे आते हैं खा पी के यहीं छोड़ के चले जाते हैं। फॉर गॉड सेक यार, इतनी प्यारी ब्यूटी है, इसको खुदा के वास्ते इसको ख़राब ना करें, अपने साथ शॉपर में रख लें, किसी डस्टबिन में फेंक दें। जगह जगह गंद फेंका हुआ, ये जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक गंद फैला हुआ है। अच्छा जी, हमारा रेस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी घास पे लेट के हम लोगों ने प्रॉपर रेस्ट किया है, कमर सीधी की है, और अभी दोबारा हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है। काफ़ी हद तक फ्रेश हो गए हम लोग, गपशप किए तो थोड़ा सेट हो गया। अभी बिल्कुल पेट ऐसे है कि खाली है, लिटरली पेट में कुछ भी नहीं है। सीनरीज बहुत प्यारी हैं, जब से हम नीलम वैली के लिए मुड़े हैं मुसलसल सीनरी प्यारी है, और मौसम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अब एक दफ़ा एहतियातन पेट्रोल फुल करवा लेते हैं यार, कुछ पता नहीं चलता। आयो टेन नहीं है ना इनके पास? ओ माशाल्लाह, उधर पहाड़ों पे बादल आए हुए हैं, कितना खूबसूरत माहौल है। ब्रो किधर रह गया? ब्रो भी आया, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं किधर रह गया यार ये लड़का। बंजी गॉड का हमारे साथ हुआ है धोखा, कुछ 100 दफ़ा सामान खुल चुका है, और अभी टैंक बैग जो है मैंने फिर इधर रख दिया है, और एक बैग हमने पीछे बांधा हुआ है, ये पहन बैग, शुक्र है पहन लेगा। तो एक तो हमें ना इस सफ़र में हमें ये सबक हासिल हुआ कि भाई बंजी गॉड लो तो महंगी वाली लो, सस्ती वाली लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, काम ख़राब हो रहा है मुसलसल। बीच में खड़ी है, मर जाएगी।
ये आप सीन देख सकते हैं कितना खूबसूरत सीन है। और यहाँ से रोड टूट गई है थोड़ी सी। ओ तेरी भाई खट्टे सावा भाई आ रहे हैं हमारे साथ नपुनप। वाओ आई थिंक ये इंडिया होगा यार मे बी। वो कितना खूबसूरत पहाड़ है यार, ऐसे लग रहा है कोई कारपेट बिछा हुआ है। जस्ट लुक एट दिस आबशार, जस्ट लुक एट दिस। इधर रश बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यार। आबशार चेक कर। यार ये वो इंडिया है, पता नहीं मुझे शक पड़ रहा है जैसे वो इंडिया है। ये डैम है ना, दिस इज अ डैम, दिस इज अ डैम। वाओ यार बहुत प्यारा। पहुंच गए तस्वीर लेते हैं जी इस जगह के साथ। वाओ नीलम वैली वेलकम्स यू, ये डैम है। उई नाइस। Neelam Valley welcomes you. Here is my Morbius and here is our Neelam Valley. और ये भाईजान डैम है, इतना खूबसूरत डैम। ये पानी आ रहा है और वो इतना झाग वाला पानी है, ऐसा लग रहा है सर्फ वाला पानी है। बहुत ही खूबसूरत यार, बड़े जगह पे डैम बनाया हुआ यार। ये जनाब अली ऑफ रोडिंग स्टार्ट यहाँ पे, अब होगा काम खराब। यहाँ पे फुल टेंशन होती है बाइक चलाते हुए क्योंकि टायर पंचर ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मोड़ी होगी, काटा बड़ी जोर का उसने। तो मोड़ी लड़ी है मुझे बड़ी सख्त किस्म की। चाबी तो मल रहा हूँ पर। तो मोड़ी लड़ गई है मुझे ये साली उंगली पे, और अभी शुक्र है उस लेवल का पेन नहीं हुआ जिस तरह जिस समय एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये जी जनाब इंडिया है, ये सामने ये सारा एरिया इंडिया का है। हेलो इंडियंस, हाउ आर यू। और जिसके लिए मैं रुका था ना वो ये, व्हाट अ सीन ब्रो, व्हाट अ सीन। अच्छा ये नीलम वैली के स्पॉट पे हम आए, तो अच्छा बहुत प्यारी जगह है नो डाउट, लेकिन मौसम अभी भी ना इधर गर्म ही है, ठंडा नहीं है। तो हम अभी आगे जा रहे हैं और आगे कोई होटल वगैरह ढूंढते हैं, वहाँ पर खाना शाना खाते हैं और आज स्टे हम लोग इधर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं अगर हम लोग कहीं और आगे जा सके, प्यारे प्यारे स्पॉट जो करीब हो, तकरीबन मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर ना हो, 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक हो। कल भाई घबरा गए, तो हम लोग जो है ना कल उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, और परसों फिर वापसी। अच्छा जी हम लोगों को आखिरकार एक होटल मिला, और कोई रैंडम होटल है, कोई इसका खास नाम नहीं है, तो हम लोग बस बैठ के यहाँ पर खाना खाना खाते हैं, उसके बाद कोई होटल ढूंढते हैं। आगे हमें बताया उन्होंने कि आगे अच्छे अच्छे होटल हैं, तो वो देख लेते हैं। कश्मीर की स्पेशल डिश लोबिया चावल।
अच्छा अभी बस हम लोगों ने ये सामान वगैरह लाद दिया है, खाना खाना खा लिया हम लोगों ने, चाय भी पी ली अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब बस यहाँ से मेरे ख्याल से तकरीबन हमें 4 से 5 किलोमीटर और आगे जाना है और अपना होटल जो है वो हमने ढूंढना है, अपना होटल रूम जो है वो ओके करना है और ताकि हम उसके अंदर रेस्ट कर सकें, और वहाँ जाके मैं इंशाल्लाह फिर जो है वो आपसे और आपको होटल का रूम दिखा के वहाँ आज का व्लॉग एंड करेंगे। अच्छा अब सीन ये है कि रूम हमें मिल चुका है और मैं आपको रूम का नज़ारा तो रूम तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन रूम से मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कितने लेवल जगह पे हमें रूम मिला है। ये जी हमें रूम मिला है, ये डबल बेड है, पंखा लगा हुआ है, ये इसकी सीलिंग शीलिंग है, रूम बहुत अच्छा है और तकरीबन 2000 जो है इसका रेंट है। ये उसामा साहब अपने फुल चिल मोड में आ गए। सबसे मेन चीज़ दिखानी थी मैं आपको, मैं आपको ये रूम की लोकेशन दिखानी थी कहाँ हमें रूम मिला जी। सामने खूबसूरत पहाड़, पानी और ये जनाब मैं वो कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि शाम को बैठ के हमारा चाय पीने का कहाँ इरादा है। तो जनाब यहाँ बैठ के हमारा चाय पीने का इरादा है इस जगह पे, और ये देखें जी यूँ समझ लें पहाड़ की बाहों में हम बैठ के यहाँ पे इन्जॉय करेंगे। वेल आज का व्लॉग मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, आपको पहले दिन की हमारी जर्नी जो है ना मैंने आपको दिखा दी है। अब इंशाल्लाह कल हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने जाना किधर है, क्योंकि कल हमारे पास फुल डे होगा, क्योंकि पहले मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मतलब कि हम ज़्यादा जज नहीं कर पा रहे थे, इतने अरसे बाद बाहर निकले थे कि क्या हम नीलम वैली तक पहुँच सकेंगे नहीं पहुँच सकेंगे। इवन हम नीलम वैली से काफ़ी आगे आ गए हैं, सो हम लोग नीलम वैली से आगे भी आ गए हैं, हमें होटल भी मिल गया है। किधर आए? 8 मुकाम के पास हैं, हम 8 मुकाम के करीब हैं। यहाँ पे हमने होटल का रूम लिया और बड़ा प्यारा रूम है, बहुत मतलब कि प्यारी लोकेशन है और यहाँ के लोग बहुत ही नाइस हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।